आज हम लेके आए हैं हिंदी पाठ पुस्तक ज्ञानशुदा किताब का कुछ क्वेश्चन आंसर, ये क्लास 3 के लिए। और एक बात, ये ज्ञानशुदा हिंदी पुस्तक जो जो स्कूल में अंतर्गत है वही सत्र के लिए ये पाठ लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कविता। तो कविता का नाम है चंदा मामा। सेप्टर 6, चंदा मामा। यह कविता बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरीला कविता है। एक बच्चा, नन्हा बच्चा एक चंदा से रात को बातचीत कर रहा है, उसके मन के भाव उसके साथ शेयर कर रहा है, वही कविता का मूल भाव है। चलो हम एक बार कविता को पढ़ के सुनाएं और सभी छात्रों को हम पढ़ने को बोला है ताकि उनका रीडिंग भी अच्छा हो जाए। तो पहली दफा ये है, चलो स्टार्ट करते हैं। चंदा मामा पास तो आना, चंदा मामा पास तो आना, हमसे आकर मेल बढ़ाना, हमसे आकर मेल बढ़ाना, जितना ऊपर तुम चमके हो उतना ही हमको चमकाना, जितना ऊपर तुम चमके हो उतना ही हमको चमकाना। सेकंड दफा, हमको आलोकित कर दो, हम भी जग चमकाएंगे, अपने साथ देश का अपने मस्तक सदा उठाएंगे, दूर भगे मन का अंधियारा वो तरकीब बताना, चंदा मामा पास तो आना। थर्ड दफा, तुम चंदन जैसे शीतल हो, तन मन को हर्षा दो, आँखों में निंदिया आ जाए, तुम ऐसे लोरी गा दो, सपनों में मुझको सारी दुनिया की सैर कराना, चंदा मामा पास तो आना। सो यही है थर्ड दफा। इसका जो कठिन शब्द आलोकित, यानी कि जो ब्राइट होते हैं उसको आलोकित बोलते हैं, चमकाना आलोकित, अंधेरा जो अंधेरा, तरकीब यानी कि उपाय, शीतल यानी कि ठंड। तो ये है कठिन शब्द का अर्थ। मेरे खिले खिले आंगन में शाम ढले आते हो, सारी रात चमकते रहते, सुबह सुबह जाते हो, अब की बार अगर आना तो फिर वापस न जाना, चंदा मामा पास तो आना। तो यही है फोर्थ दफा। तो कविता का मूल भाव यह है कि एक नन्हा बालक चंदा से बातचीत कर रहे हैं, उनके मन के भाव उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा फील कर सकते हैं जो कोई सुन नहीं सकता, हम जिसके साथ फील कर सकते हैं वही सुन सकता है। तो यही है कविता का मूल भाव। जो बच्चा रात को चंदा को देखा और उसके मन के भाव उसके साथ शेयर कर रहे हैं, बाँट रहे हैं, और उसके साथ जो फीलिंग्स हो रहा है वो वैसा ही बनना चाहता है, चंदा में जो गुण है वो वैसा ही दुनिया में बनना चाहता है, वही वो बातचीत कर रहे थे। तो यही है इस कविता का मूल भाव।
क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार अच्छे से कविता को पढ़ ले और उसको रिसाइट भी कर ले, मेमोराइज कर ले। तो यह है शब्दार्थ। शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख ले और पढ़ ले। तो नेक्स्ट है, कविता में बच्चे किसे बुला रहे हैं? कविता में बच्चे किसे बुला रहे हैं? चंदा मामा को। ख, बच्चे क्या बरने के लिए कह रहे हैं? मिल यानी कि दोस्ती बरने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट, मामा चंदा मामा कहाँ पर चमके हैं? चंदा मामा कहाँ पर चमकते हैं? कविता का कथन है कि ऊपर, यहाँ लिखना पड़ेगा आकाश, तो आकाश लिखने से एप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो यहाँ मैंने ऊपर या आकाश पर लिख दिया है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए, और वीडियो पसंद आए, आप लोगों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और भी कुछ टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा कितना चमकाने के लिए कह रहा है? चंदा मामा को कितना चमकाने के लिए कह रहा है? जितना ऊपर चंदा मामा है उतना ही चमकाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट, इस कविता में अपने साथ किसका मस्तक उठाने के लिए कहा गया है? देश का मस्तक। जो बच्चों ऐसा बोल रहा है कि हम भी देश का मस्तक उठाएंगे, देश में हम सर उठाएंगे, मस्तक मतलब सर, ऐसे बोल रहा था, देश का मस्तक उठाएंगे। नेक्स्ट, बच्चा कौन सी तरकीब पूछ रहा है? दूर भगे मन को अंधेरा। नेक्स्ट, इस कविता में कैसे किसे लरी गाने के लिए कहा है? जैसे आंखों में निंदिया आ जाए, ऐसे लोरी सुनाने के लिए चंदा मामा को नन्हा बालक बोल रहा था। तो नेक्स्ट का सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द लिखिए। यह स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस करेगा। मैं कुछ लिख दिया हूँ। संज्ञा मतलब नाउन, चंदा बच्चा ये भी नाउन होता है, संज्ञा होता है। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, तुम वो यही प्रोनाउन होता है सर्वनाम। विशेषण ठन शीतल, जो गुण समझते हैं यही अलौकिक चमकाना, वही बच्चा स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस करेगा। ये क्रिया यानी कि भाव, आना जाना, जो करता है, जो करने वाला, जो करता है उसको क्रिया बोलते हैं, यानी कि भार, आना जाना मैंने लिख दिया है। वो जो खाली पड़ा है वो बच्चों घर पे ट्राई करेगा। जो नेक्स्ट, नीचे दी गए शब्दों दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे, यानी कि सनम, एक शब्द का और दो तीन शब्द भी होता है, वर्ड होता है, वही लिखने के लिए बोला। दुनिया, हम गगन भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं, चंदा चंद्रमा भी बोलते हैं, चांद भी बोलते हैं, आँख नयन भी बोलते हैं, नैन भी बोलते हैं, चक्षुष भी बोलते हैं। यह दी गई है, यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर खुद जाने तो वह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तन शरीर यानी कि काया। तो ये है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखिए।
5 विलोम शब्द यानी कि ऑपोजिट, ऑपोजिट राइट। 5 दूर शीतल ठल, अंधेरा अंधेरा, ऊपर नीचे, देश विदेश, आना जाना, यह है विलोम शब्द। इस कविता का स्वर अपने शब्द में लिखिए, ये घर पर प्रैक्टिस करेगा स्टूडेंट, 2-4 शब्द लिखना, जो पिक्चर बनाएगा किस तरह चंदा मामा नन्हा बालक से बात करता है। तो ये है आज का टॉपिक, क्लास 3 का हिंदी ज्ञानशुदा पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो हम यहाँ बोलना चाहेंगे कि बच्चों कॉपी पर लिख ले और अच्छे से पढ़ ले, याद भी कर ले, तो यही गुजारिश करूँगी। तो आज के लिए यही टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आने के लिए हम और भी एक वीडियो लाने के लिए कोशिश करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Don't forget, subscribe, like and share. Stay home, safe.